नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2020 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। और इसके पहले देखिए, ऑलरेडी हमने आपको जनवरी 2020 से लेके नवंबर 2020 तक की वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है, जिसमें कि हमने एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है इन सारे मंथ का। तो आप लोग उन सभी को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है करंट अफेयर्स का, तो वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट में जाने के बाद सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, हमने और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर के, तो उनसे भी रिलेटेड हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और एग्जाम जो भी आपके आने वाले हैं, तो उन सभी के लिए हमने एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी आपको देते हैं हर एग्जाम के लिए, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको जो भी आपके रिसेंट एग्जामिनेशन में आपके होने वाले हैं, तो उसमें करंट अफेयर आपके जो प्रीवियस वन ईयर का पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग जो है जरूर उसको पढ़ के जाना, आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में आपको क्वेश्चन हमारे में से ही। इसके अलावा जो भी और भी टॉपिक्स है, तो वो सारा चीज हमने करंट अफेयर वाले पीडीएफ में इंक्लूड कर देते हैं टॉपिक वाइज। साथ में जो भी आपके मंथ के करंट अफेयर रहते हैं, तो वो तो रहते ही है, जो भी टॉपिक्स आपके रहते हैं, तो वो भी हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं सारे के सारे। तो आप लोग भी उसको कर सकते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा दिसंबर महीने का भी जो रहेगा आपका करंट अफेयर, इसको भी इंक्लूड करते हुए हम एक इक्विवेलेंट पीडीएफ आपको आने वाले कुछ दिनों में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि जो भी एग्जाम आपके आने वाले हैं फ्यूचर में अभी, तो उन सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। तो यहाँ पे देखिए, आपका पहला है, हमने जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया हुआ है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को पढ़ने में। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारत के पहले हॉटस्टार पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि पेटा जो रहता है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो इसके लिए जो है इसके रूप में किसे नामित किया है। देखिए पेटा ने जो है सोनू सूद और जो एक्ट्रेस है श्रद्धा कपूर, तो इन दोनों को जो है सबसे हॉट स्टार पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के रूप में जो है इनको नामित किया हुआ है। तो इसमें देखिए, जहां पुरुष वर्ग में जैसे सोनू सूद जो है, तो ये सबसे मशहूर शाकाहारी हस्ती के रूप में इनको नामित किया गया, तो वहीं अभिनेत्री श्रद्धा कपूर जो है, तो इनको महिला वर्ग में इस सम्मान की उपाधि से इनको दी गई है। तो इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ पे दोनों आपका हो जाएगा ए और बी, तो यहाँ पे आप लोग ए और बी कर लेना है यहाँ पे आपका, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, यानी कि जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है 2020 का, तो इसमें जो किस देश को पहला स्थान मिला है। तो देखिए 2020 का जो मानव स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी किया गया था, तो इसमें देखिए न्यूजीलैंड को जो है पहला स्थान मिला है। तो इसमें देखिए जो स्वतंत्रता सूचकांक जो ये निकाला जाता है मानव स्वतंत्रता सूचकांक, तो दुनिया भर के जो नागरिक होते हैं, तो उनका जो आर्थिक और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, तो उसके लिए रैंकिंग ये जारी की जाती है। तो इस बार देखिए टोटल जो है 162 देशों का रैंकिंग निकाला गया था, तो जिसमें कि न्यूजीलैंड जो है ये सबसे टॉप पे रहा था। और वहीं पे देखिए इंडिया की यदि हम बात करते हैं, तो इंडिया जो है 162 देशों में से इसका 111वें नंबर पे रहा इसका, तो 111th रैंकिंग है इंडिया का। जबकि देखिए 2019 में यदि इंडिया की यदि हम बात करते हैं, तो इसका देखिए रैंकिंग था 2019 का, इसका रैंकिंग था 94th पोजीशन पे था इसका यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिक्लाइनेशन हुआ है इसका यहाँ पे। तो आप लोग जो है ये तो याद रखने के टॉप पे कौन रहा था, इंडिया का रैंकिंग है 111 2020 में। फिर नेक्स्ट देखिए कि यूएस ट्रेजरी विभाग ने किस देश को अपनी मुद्रा हेरफेर वॉच लिस्ट पर वापस रख दिया है, यानी कि करेंसी मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट में फिर से जो है कौन से कंट्री को वापस रख दिया है। तो देखिए यूएस ट्रेजरी विभाग ने जो है भारत को फिर से जो इस लिस्ट में रख दिया है, यानी कि मुद्रा हेरफेर वॉच लिस्ट पर। तो इसमें देखिए ये जो करेंसी मैनिपुलेशन जो वॉच लिस्ट होती है, तो ये उन कंट्री को इस लिस्ट में रखता है अमेरिका, मतलब यूएस ट्रेजरी विभाग जो है, जो कि अपने मतलब कि अपने व्यापार में फायदा पहुंचाने के लिए करेंसी को मैनिपुलेट करती है। तो इसके पहले देखिए भारत जो है 2018 में इस श्रेणी में मतलब कि इस लिस्ट में रखा गया था, भारत का भी नाम रखा गया था इसमें, जबकि 2019 में इस नाम से इसको हटा दिया गया था, लेकिन वापस जो है फिर से 2020 में भारत को इस लिस्ट में रख दिया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है 2020 का, तो इसका विषय क्या है। तो देखिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है, तो ये 22 दिसंबर को शुरुआत हुआ था इसका, और ये 25 दिसंबर को इसका समापन किया गया था। तो इस बार देखिए जो थीम रखा गया था इसका, यानी कि जो विषय है, तो वो है आपका यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान, यानी कि इंग्लिश में भी आपको इसको याद रखना, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। तो ये है इस बार का थीम रखा गया है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको टिक कर लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का उद्घाटन समारोह जनवरी 2021 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा।
तो देखिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जिसका उद्घाटन समारोह जनवरी 2021 में किए जाएंगे, तो देखिए इसका आयोजन जो है गोवा में किया जाएगा और इसका आयोजन जो है 16 जनवरी को किया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और देखिए इस बार का जो आयोजन रहेगा तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी जो है आपका यहाँ पे 51st नंबर का है जो कि गोवा में इसके आयोजन किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए किस देश ने इसके परमाणु भौतिक वैज्ञानिक की हत्या के बाद परमाणु गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए जो है एक विधेयक को पारित किया है। तो देखिए ईरान जो है अपने परमाणु गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक को इन्होंने पारित किया हुआ है। और देखिए इसके पीछे इनका मुख्य जो लक्ष्य है कि अपने ये देश का जो है न्यूक्लियर एक्टिविटी को ये अपलिफ्ट करना चाहते हैं। और ये देखिए ये डिसीजन इन्होंने तब लिया हुआ है, इनका देखिए एक न्यूक्लियर फिजिस्ट थे मोहसिन फकरीजादे, तो इनका देखिए अभी हाल ही में हत्या कर दी गई थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज बना था। तो ये चीज आपसे पूछा जा सकते हैं, आप लोग जो ये साइंटिस्ट जो थे इनके आप लोग इनका नाम भी याद रखना, इनका नाम है मोहसिन फकरीजादे। तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने एक नए डिजिटल भुगतान ऐप दैट इज डाक पे का अनावरण किया है। तो देखिए डाक विभाग ने और साथ में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, इन दोनों ने मिलकर जो है एक नए डिजिटल भुगतान ऐप जिसका नाम है डाक पे, तो इसका देखिए इन्होंने जो है अनावरण किया हुआ है। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ए और बी दोनों आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए और बी दोनों, यानी कि डाक विभाग और साथ में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इन दोनों ने मिलकर जो है एक नया ऐप जिसका नाम आपका है डाक पे। नेक्स्ट देखिए कि युवा गणितज्ञों के लिए 2020 का रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए रामानुजन पुरस्कार जो है, तो ये जो युवा गणितज्ञ होते हैं यानी जो मैथमेटिशियन होते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो देखिए 2020 का जो रामानुजन पुरस्कार है तो ये जो है डॉक्टर केरला अराउजो को दिया गया हुआ है। और देखिए ये जो पुरस्कार है यानी कि जो रामानुजन पुरस्कार है, तो भारत सरकार के विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विभाग है तो उसके द्वारा ये फंडिंग किया जाता है। और ये पुरस्कार जो ऐसे देश को देता है कि जो विकासशील देश होता है और उसके जो शोधकर्ता होते हैं तो उनको ये प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि किसने एक नई नॉन फिक्शन पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ की घोषणा की है। तो देखिए सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यास के लेखक अमीश ने एक नई नॉन फिक्शन पुस्तक जिनका नाम है धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, तो इसका इन्होंने देखिए अभी घोषणा किया हुआ है। और देखिए इस पुस्तक का जैसे अमीश है और साथ में इनकी जो बहन है भावना राय, तो इन दोनों के द्वारा जो मतलब मिलके इन्होंने लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे आपका अमीश दिया हुआ है, अगर आपका मान लीजिए कि भावना राय भी अगर दिया रहता तो दोनों को आपको मार्क करनी होती है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से किस गैर सरकारी संगठन ने वंचित बुजुर्गों की सेवा करने और उनके कारण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है संस्थागत श्रेणी में 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त किया है। तो देखिए भारत का ये एनजीओ है हेल्पर्स इंडिया, तो इसको जो है वंचित बुजुर्गों की सेवा करने के लिए और उनके कारणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है संस्थागत श्रेणी में 2020 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार इसने प्राप्त किया हुआ है। और देखिए ये जो पुरस्कार है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में जो है इसको स्थापित किया गया था। और ये देखिए उन लोगों को दिया जाता है कि जो लोग बुजुर्गों की सेवा करते हैं और साथ में उनके बारे में यानी कि उनके कारण के बारे में जो जागरूकता बढ़ाते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार देखिए जो दिया गया 2020 का प्राइस, तो ये इंडिया का एक एनजीओ है जिसका नाम है हेल्पर्स इंडिया, तो आप लोग इसका नाम याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि दिसंबर 2020 में टाइम द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसने दिया है। तो देखिए दिसंबर 2020 में टाइम मैगजीन द्वारा जो है बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब ये दिया गया है। तो इसमें देखिए जो खिताब दिया गया इस बार का, तो वो है एरिक युआन। और देखिए एरिक युआन जो है तो ये जूम जो आप लोग जानते हैं जो यूज करते हैं आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, तो ये इसके सीईओ है, तो उन्हीं को दिया गया है। तो एरिक युआन ये सीईओ है जूम जो आपका वीडियो कॉलिंग ऐप है, तो उसको दिया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए। नेक्स्ट देखिए कि दिसंबर 2020 में टाइम पत्रिका द्वारा निम्नलिखित में से किसे एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया था। तो देखिए टाइम पत्रिका द्वारा जो है इस बार इसने देखिए बहुत सारे चीजों के घोषणा कर दी है, जैसे कि एथलीट ऑफ द ईयर, इसके अलावा पर्सन ऑफ द ईयर, इसके अलावा जो है आपका और भी बहुत सारे चीज जो ये घोषणा करता है। तो इसमें देखिए पूछा गया आप यहाँ पे एथलीट ऑफ द ईयर,
तो एथलीट ऑफ द ईयर जो दिया गया तो वो है लेब्रन जेम्स को। तो देखिए जो लेब्रन जेम्स जो है तो ये लॉस एंजलस के ये खिलाड़ी है। और इसके अलावा देखिए जो पर्सन ऑफ द ईयर का जो खिताब दिया गया हुआ है तो वह है अमेरिका के जो निर्वाचित राष्ट्रपति है जो बाइडेन, और साथ में जो निर्वाचित उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। तो इनको इसने खिताब दिया हुआ है पर्सन ऑफ द ईयर का, लेकिन एथलीट ऑफ द ईयर इसमें आपको पूछा गया था तो ये दिया गया है लेब्रन जेम्स को जो कि लॉस एंजलस के हैं। नेक्स्ट देखिए कि दिसंबर 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन है। तो देखिए दिसंबर 2020 में जो है फोर्ब्स के द्वारा इसने ये लिस्ट जारी किया था जिसमें कि सबसे जो 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन है तो इस कैटेगरी में देखिए जो सबसे शीर्ष पर थी तो वो है एंजेला मर्केल। तो देखिए एंजेला मर्केल जो है तो ये जर्मनी की ये चांसलर है, तो ये लगातार जो है 10वीं बार इस लिस्ट पे शीर्ष पे बने हुई है। और इसमें देखिए जो 100 लिस्ट की यदि हम बात करते हैं तो अंडर 100 लिस्ट में इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है यानी कि जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, तो उनका देखिए रैंकिंग है 41 नंबर पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2020 में निम्नलिखित में से किसे महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो देखिए विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2020 का जो श्रेणी है तो इसमें देखिए महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का जो खिताब है तो ये जो है यूलिमार रोजस को दिया गया है। और इसमें देखिए ये तो आपका जैसे कि महिला कैटेगरी में हो गया, और वहीं पे यदि पुरुष का कैटेगरी में बात करते हैं तो ये दिया गया है स्वीडन के मोंडो डुप्लाटिस को। तो आपका यहाँ पे जो हो जाएगा मेल कैटेगरी में स्वीडन के मोंडो डुप्लाटिस, और साथ में यहाँ पे फीमेल का कैटेगरी इनके महिला में जो आपका दिया गया है तो ये दिया गया ये जो है आपके वेनेजुएला के विलिमार रोजास। तो ये आप लोग दोनों याद रखना। इंडेक्स देखिए कि नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि ये माउंट एवरेस्ट है तो इसका जो है संशोधित ऊंचाई कितने मीटर घोषित की है। तो देखिए नेपाल और चीन ने जो है विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसका इन्होंने देखिए इसका इन्होंने जो है संशोधित ऊंचाई इन्होंने घोषित किया हुआ है। तो इसका देखिए जो ऊंचाई है इनके अकॉर्डिंग तो वो है 8848.86 मीटर। तो देखिए पहले जो इसकी ऊंचाई थी तो जो कि ये सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसके जैसे माप के अनुसार इन्होंने ऊंचाई दिया था तो इसका था 8848 मीटर। तो जो नई ऊंचाई इन्होंने दिया हुआ है चाइना और नेपाल ने मिलकर तो इसमें मात्र ओनली जो है आपका 0.86 मीटर का ही इसमें इंक्रीमेंट किया गया, यानी कि 86 सेंटीमीटर का ही जो है ये केवल पहले से अधिक है। तो ये नया सेंस आपका दिया है तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है तो ये आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका अगला दिया हुआ है कि पत्रकार लेखक राज कमल झा के किस उपन्यास के लिए जो है तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। तो देखिए पत्रकार एवं लेखक जो राजकमल झा है तो इनका देखिए जो उपन्यास है द सिटी एंड द सी, तो इसके लिए जो है इनको तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो आप लोग ये याद रखना। और इसमें देखिए जो राजकमल झा है तो ये जैसे इनका पुस्तक है द सिटी एंड द सी, तो ये आप लोग पुस्तक और लेखक जो रहता है तो इसका भी आप लोग को याद रखना है यहाँ पे। तो ये इनको दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार का जो कि तीसरा संस्करण था ये। फिर नेक्स्ट देखिए कि किस जिले ने अक्टूबर 2020 के लिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग यानी कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो इनिशिएटिव जो ये निकाली जाती है नीति आयोग के द्वारा तो इसके रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए जो आकांक्षात्मक जिलों की जो रैंकिंग है तो ये नीति आयोग के द्वारा ये जारी की जाती है, यानी कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो इनिशिएटिव है तो ये नीति आयोग द्वारा जो ये लॉन्च किया गया था। तो इसमें देखिए जो भी डिस्ट्रिक्ट जो परफॉर्म करते हैं बहुत सारे पैरामीटर में तो उनका रैंकिंग निकाला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए इस बार जो रैंकिंग निकाला गया था अक्टूबर 2020 में तो इस लिस्ट में मिजोरम का एक जिला है ममिर, तो ये जो है इस पे शीर्ष स्थान पे रहा था। इसके अलावा देखिए जो दूसरे स्थान पर रहा था तो वह है बिहार का बांका जिला, और तीसरे नंबर पर रहा था ओडिशा का ढेंकनाल जिला। तो इनको भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश कौन बन गया है। तो देखिए चाइना जो है चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला ये दूसरा राष्ट्र ये बन गया है। तो देखिए चीन का जो अंतरिक्ष यान था जिसका नाम है चांग 5, तो चांग A5 इसका नाम है, तो इसने देखिए जो है चीनी ध्वज को चंद्रमा की सतह पर लगाया था। और देखिए जो चांग 5 मिशन जो है तो इसको चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने के लिए और चंद्रमा से नमूने को वापस लाने के लिए जो है ये चंद्रमा पर भेजा गया था यह मिशन। तो इसके पहले देखिए
1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका और साथ में 1970 में जो सोवियत यूनियन था पहले, तो इन्होंने ही ऐसा मतलब देश है कि जिन्होंने चंद्रमा से नमूने को प्राप्त करके वापस धरती पर लाया था। तो इनफैक्ट चाइना जो इसमें सक्सेस भी हो चुका है, तो इस तरीके से चाइना जो है अब ये तीसरा ऐसा देश बन गया कि जो जो मतलब कि जो चंद्रमा है तो वहाँ से इन्होंने नमूने को इकट्ठा करके वापस धरती पर लाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपका पूछा गया था कि झंडा लगाने वाला दूसरा देश तो वह है चाइना, तो पहला देश कौन था झंडा लगाने वाला, ये आप लोग कमेंट करके बताने यदि आपको पता है। तो फिर नेक्स्ट देखिए कि सिंगापुर के द स्ट्रेट्स टाइम्स द्वारा किसे एशियंस ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए सिंगापुर के द स्ट्रेट टाइम्स के द्वारा जो है एशियंस ऑफ द ईयर्स के रूप में जो है इन सभी को नामित किया गया, जिसमें नाम आपका यहाँ पे दिया हुआ है अदार पुनावाला, इसके बाद जो है आपका झांग यानजेन है, और तीसरे है रयुची मरुसीता। तो इन तीनों को दिया गया है स्टेट टाइम्स के द्वारा एशियंस ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो इसमें देखिए ये तो आपका जैसे तीन ही दिया हुआ है, लेकिन टोटल जो है 6 लोगों को इसमें दिया गया हुआ है। तो जिसमें कि अदार पुनावाला जो है, तो ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे जैसे झांग यानजेन जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये तो ये जो है चीन के एक शोधकर्ता है। इसके अलावा देखिए चेन भी है चाइना के, ये मेजर जनरल है। इसके अलावा जो आपका रियोची मोरुसिता दिया हुआ ये जापान के है। इसके अलावा सिंगापुर के हैं ओ इन योंग, और साथ में दक्षिण कोरिया के एक कारोबारी है सेओ जुंग जिन। तो इन जो है 6 लोगों को दिया गया हुआ है। तो इसमें देखिए जो अदार पुनावाला है ये इंडिया के हैं, तब लोग इनका नाम याद रखना, ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO। नेक्स्ट देखिए कि डॉक्टर सीओ थनु पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक 40 Years विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज का विमोचन किसने किया है। तो देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, तो इन्होंने देखिए इसको वर्चुअली जो है इस पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया था। तो पुस्तक जो लेखक है मतलब इसके लेखक है डॉक्टर सीओ थनु पिल्लई। तो इनका देखिए पुस्तक का नाम है 40 Years विद अब्दुल कलाम द अनटोल्ड स्टोरीज। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट भी है 40 Years विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। तो इसके लेखक है डॉक्टर सीओ थनु पिल्लई। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से किसको फॉर्च्यून ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है। तो देखिए फॉर्च्यून ने जो है बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए जो है शांतनु नारायण को और साथ में अजय बंगा को, तो इन दोनों को किया हुआ है। तो इसलिए आपका ए और बी यहाँ पे आपका दोनों हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट होगा। तो देखिए शांतनु नारायण जो है एडोब के CEO है, और अजय बंगा ये मास्टर कार्ड के CEO है। तो इन दोनों को जो है फॉर्च्यून ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से नामित किया है। नेक्स्ट देखिए कि किसको टाइम मैगजीन ने फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। ये टाइम मैगजीन ने फर्स्ट ऑफ द किड ऑफ द ईयर के रूप में जो है गीतांजलि राव को इन्होंने नामित किया हुआ है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखना। और ये जो है टाइम मैगजीन के द्वारा ये पहली बार फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए भारतीय नौसेना दिवस जो है तो ये हर साल हम लोग 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। और देखिए 1971 में जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, तो इसके दौरान कराची बंदरगाह पर हुए हमलों को चिन्हित करने के लिए हम लोग हर साल जो है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इस दिन देखिए कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के हमले ने जो है पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों का जो अंतिम जीत हुआ था, तो ये वहाँ पे बहुत बड़ा योगदान था यहाँ पे। तो इसी को रिमेम्बरेंस करने के लिए हम लोग मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को। और देखिए इस बार का जो थीम भी रखा गया था, जैसे हर साल कोई भी चीज मनाया जाता है सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका एक थीम भी रखा जाता है। तो 2020 का जो देखिए जो थीम रखा गया था इस बार, तो वो है आपका दैट इज इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, इसके अलावा क्रेडिबल एंड कोहेसिव। नेक्स्ट देखिए कि किसको पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा जो है, तो इसके द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो देखिए पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के लिए यानी कि जो पेटा आपका इसका फुल फॉर्म है, तो इसके द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में जो है जॉन अब्राहम को नामित किया गया है। और देखिए जॉन अब्राहम ने एक जो है इन्होंने जैसे ई रिटेलर को इन्होंने जीवित पशुओं का व्यापार रोकने के लिए आग्रह करते हुए कि इन्होंने एक पत्र भेजा था। तो जो भी लोग एनिमल्स के प्रति मतलब जानवरों के प्रति जो जो संभावना दिखाते हैं और उनके प्रति जो दया भाव दिखाते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ये पुरस्कार मतलब या फिर जो है इससे रिलेटेड कोई भी जो रहते हैं तो उनको नामित किया जाता है। तो इस बार जो पर्सन ऑफ द ईयर जो नामित किया गया तो वह है जॉन अब्राहम। नेक्स्ट देखिए 2020 के लिए अपनी ताजा रैंकिंग में गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। तो देखिए गृह मंत्रालय के द्वारा जो ताजा रैंकिंग जारी किया गया था, तो इसमें देखिए
जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का जो दिया गया है दर्जा रूप में, मतलब कि जो चुना गया है, तो वो है नोपोक सेमकई। तो ये देखिए नोपोक सेमकई जो है, तो ये एक मणिपुर का थोम्बल जिले का एक पुलिस स्टेशन है। तो इसको जो है देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया हुआ है। और इसकी घोषणा जो है गृह मंत्रालय ने अपनी जो ताजा रैंकिंग जो जारी किया था 2020 का, तो उसमें ये आया हुआ था। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। ये जो है आपका मणिपुर का एक जैसे थोम्बल जिले का एक पुलिस स्टेशन है नोपोक सेमकई। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य ने अपना व्यापक प्रचार अभियान द्वारे सरकार यानी कि दरवाजे पर सरकार जो है शुरू किया है। तो देखिए पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है अपना एक व्यापक प्रचार अभियान द्वारे सरकार यानी कि दरवाजे पर सरकार जो है शुरू किया हुआ है। और इसके पीछे देखिए लक्ष्य इनका ये है कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं तो वो जो है लोगों के बीच में पहुंचे और उनसे रिलेटेड कोई भी अगर जैसे शिकायत है तो वो जो है इस पे कर सके। फिर नेक्स्ट देखिए कि उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह किसकी जगह ले लेंगे। तो देखिए हाल ही में जो है उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के महासचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसके पहले जो इस पोस्ट पे बने हुए थे तो वह थे स्नेहलता श्रीवास्तव, तो इनके जगह पे जो है उत्पल कुमार सिंह को अभी लोकसभा के महासचिव नियुक्त किया गया हुआ है। तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि पुणे में एक बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। तो पुणे पुलिस स्टेशन ने जो है इसे स्थापित करने के लिए जो है निम्नलिखित में से किसके साथ इन्होंने काम किया है। तो देखिए पुणे में जो है एक बाल पुलिस सुलभ यानी कि बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का जो है शुभारंभ किया गया हुआ है। तो इसके लिए देखिए ये जो मदद लिया गया था यानी कि किसके साथ इन्होंने काम किया था, तो ये इन्होंने जैसे हेल्प लिया हुआ था होप फॉर चिल्ड्रन फाउंडेशन। तो इस फाउंडेशन की मदद से जो है पुणे पुलिस स्टेशन ने एक बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का इन्होंने शुभारंभ किया हुआ है। और देखिए इसके पीछे इनका लक्ष्य यह है कि जो भी मतलब ऐसे बच्चे कि जो कानूनी रूप से अपराधी है तो उनको जो है अनुकूल वातावरण उनको प्रदान किया जा सके। तो ये जो है आपका शुरू किया गया है, जैसे बाल सुलभ पुलिस स्टेशन कहाँ पे किया गया, तो ये पुणे में किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग ये भी याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने उपयोगकर्ताओं के लिए जो है लक्षणों के संदर्भ में आधिकारिक संख्या समाचार और साथ में सूचनाओं को खारिज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए WHO ने जो है अपना एक इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया हुआ जिसका नाम है WHO COVID-19 अपडेट्स। तो इसमें देखिए जो भी उपयोगकर्ताएं होंगे इसके, तो इनमें देखिए जो भी मतलब इससे रिलेटेड जैसे आधिकारिक संख्या फिर समाचार या फिर जो सूचना जो भी होंगे, तो इन सभी चीजों को खारिज करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम आपका है WHO COVID-19 अपडेट्स। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये WHO के द्वारा ये लॉन्च किया गया और आप लोग जानते हैं कि कोरोना जो है तो ये सबसे हाईलाइटेड न्यूज रहा था 2020 का। नेक्स्ट देखिए कि विनीत अग्रवाल ने निम्नलिखित में से किसके नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। देखिए SOCHM के जो नए अभी प्रेसिडेंट जो अपॉइंट किए गए हैं तो वह है विनीत अग्रवाल। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी नए अपॉइंटमेंट होते हैं तो उनसे आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपसे। नेक्स्ट देखिए कि दिसंबर 2020 में लॉन्च किए गए भारत के पहले डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो देखिए दिसंबर 2020 में जो लॉन्च किया गया भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, तो इसका नाम है DigiBox। तो जैसे जो भी एसेट्स होते हैं तो उसको किस तरीके से डिजिटली जो है उसका मैनेजमेंट किया जा सके, तो उसी के लिए ये बनाया गया हुआ है जो कि भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। तो ये नेम आप लोग याद रखना, इसका नेम है DigiBox। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 प्राप्त किया है। तो देखिए जो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी है राफेल नडाल, तो इनको जो है स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 जो है इनको दिया गया हुआ है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखना इसको। नेक्स्ट देखिए कि दिसंबर 2020 में किस देश का चांग 5 जहाज यानी कि जो प्रोब है चांग 5, तो ये पृथ्वी पर सफलतापूर्वक उतरा और इसने जो है 40 से अधिक वर्षों में जो है चंद्रमा के पहले नमूनों को स्वदेश लाया हुआ है। तो देखिए जो चाइना का जो चांग 5 जो प्रोब था, तो ये जो है सफलतापूर्वक यानी कि चंद्रमा की जो सतह है वहां पे, तो वहां से नमूनों को इकट्ठा करके जो है ये धरती पर वापस सफलतापूर्वक ये उतरा है। तो ये ऐसा जो है इसने 40 वर्षों के बाद इसने ऐसा किया हुआ है। तो इससे देखिए ये जो है मैंने पूरे वर्ल्ड के दिन बात करते थे, ये तीसरा नंबर का देश बन चुका है। तो इसके पहले जैसे पहले अमेरिका और सोवियत यूनियन जो पहले थे, इन्होंने ऐसा काम कर दिया था मतलब कि जो चंद्रमा की सतह से नमूनों को इकट्ठा करके वापस लाना, और इस बार जो है चाइना ने भी इसमें सफलता प्राप्त किया हुआ है। तो इस तरीके से ये तीसरा देश बन गया है और वहां पे झंडा फहराने का भी जो है कि इन्होंने कारनामा दिखाया था, जिससे इन्होंने ये ऐसा करने वाली ये दूसरे देश बन गए थे।
इंडेक्स देखिए कि भारत के पहले परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो देखिए भारत का जो पहला परागणकर्ता पार्क है यानी कि जो पॉलिनेटर पार्क है तो ये उत्तराखंड में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका देखिए महत्व ये है कि जो परागणकर्ता है तो उसका संरक्षण किया जा सके और लोगों के बीच में जागरूकता पैदा किया जा सके। तो इसी के लिए जो है पहला भारत का जो है परागणकर्ता पार्क उद्घाटन किया गया तो उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसने जीता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड का जो पुरस्कार है तो ये एमएस धोनी को ये दिया गया हुआ है। तो इसमें देखिए बहुत सारे कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए हैं इस बार का। तो इसमें देखिए जो डिकेड अवार्ड आपका है तो यानी कि डिकेड जो होता है कि जो जिन्होंने 10 साल में जिसमें जिन्होंने बहुत ही अच्छा खेल में परफॉर्मेंस दिखाया था तो उन लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका लिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, जैसे कि जो दिए हुए विनर जो है इसका जो कि घोषणा इसका किया गया था 2020 में आपका, तो जिन्होंने 10 साल में बेस्ट परफॉर्मेंस किया था क्रिकेट में तो उन सभी का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ आपका। जैसे आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेटर ऑफ द डिकेड तो इसके लिए दिया गया है विराट कोहली को। और वहीं पे इसमें आपका क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से कि आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड तो ये दिया गया है एलिसा पेरी को। इसके अलावा देखिए इसमें से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड तो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का जो अवार्ड है ये स्टीफन स्मिथ को दिया गया हुआ है। और वहीं पे आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड जो है ये दिया गया है विराट कोहली को। और इसी कैटेगरी में आईसीसी विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड का डिकेड जो है मतलब कि ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का जो अवार्ड है दिया गया एलिसा पेरी को। और वहीं पे आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का जो अवार्ड है दिया गया राशिद खान को। और वहीं पे देखिए ये तो आपका जैसे मेंस कैटेगरी में टी20 में हो गया और वहीं पे आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का जो अवार्ड है ये दिया गया एलिसा पेरी को फिर से। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सबसे मेन आपका है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड तो ये दिया गया है एमएस धोनी को। और देखिए जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है तो ये उनका जो है इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इन्होंने एक निर्णय लिया हुआ था इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच हुआ था जिसमें कि एन बेल को जो है बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से इनको रनआउट दिया गया था तो इसमें जो इन्होंने उनको वापस बुलाया था। तो इनके इसी डिसीजन को जो है देखते हुए स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड का अवार्ड एमएस धोनी को दिया गया है। तो इसमें से देखिए आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग जो है ये सारे आंसर आप लोग कर सकते हैं या सारा कैटेगरी आप लोग याद रखना। और ये सारा चीज जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो करंट अफेयर का आपका पीडीएफ रहेगा उसमें ये सारा चीज इंक्लूडेड आपका रहेगा। तो इसमें देखिए एलिसा पेरी ने जो सी फीमेल की कैटेगरी में इसने देखिए इन्होंने सारे अवार्ड जीता हुआ है, वो चाहे आपका हो फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का हो गया या तो फिर इसमें आपका जैसे ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड हो गया विमेंस के कैटेगरी में या फिर टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड हो गया विमेंस के कैटेगरी में, तो सभी में जो है एलिसा पेरी को दिया गया हुआ है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फीमेल के कैटेगरी में, तो आप लोग जो है एलिसा पेरी को मार्क करना। बस इसमें आपका यहाँ पे है विराट कोहली इसमें की मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, इसके अलावा जो है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, तो इन सभी कैटेगरी में दिया गया विराट कोहली को ही। तो आई होप कि ये सारा चीज जो है आपको याद हो गए होंगे अच्छे से। तो उसी तरीके से देखिए एक क्वेश्चन आपका इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है कि निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए जो है सर गॉलफील्ड सर्वर्स पुरस्कार जीता हुआ है। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एलिसा पेरी, जैसे कि एलिसा पेरी को जो है सभी कैटेगरी में इनको दिया गया हुआ है तो इसलिए बी आपका हो जाएगा यहाँ पे। इसमें दिया आपका आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड या तो फिर आपका आईसीसी फीमेल टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड या फिर आईसीसी ओडीआई फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, तो सभी में एलिसा पेरी को ही दिया गया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए कि किसे मरणोपरांत ग्रैमी के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए ग्रैमी का जो लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड है 2021 का, तो इसके लिए देखिए दिया जाएगा सेलेना क्विंटालिना पेरेस को, जो कि ये मरणोपरांत इनको ये दिया जाएगा। और इस बार का जो आयोजन होगा ग्रैमी का जो ग्रैमी आप जानते हैं कि ग्रैमी जो अवार्ड है तो ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इस बार जो आयोजन इसका किया जाएगा तो उसी में दिया जाएगा इनको, जो कि ये इनको मरणोपरांत दिया जाएगा। तो इनका नाम है सेलेना क्विंटालिना पेरेस, तो ये आपका भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे भी याद रखना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये सेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से हम आपको जो है हर मंथ का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और जिन लोगों ने बाकी जितने भी मंथ का अभी तक हमने बनाया हुआ है प्रीवियस 1 ईयर के, तो कंप्लीट आपको मिल जाएंगे सभी का हर मंथ का एमसीक्यू के फॉर्मेट में, जैसा कि हम आपको इसमें हमने बताया हुआ, तो उसी तरीके से हमने और भी मंथ के बनाया हुआ है तो आप लोग उसको देख सकते हैं और पीडीएफ को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे प्रीवियस के। हालांकि हम आपको जो है एक अपडेटेड करके प्रीवियस 1 ईयर का पूरे कंप्लीट
पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि आपको मंथ वाइज एमसीक्यू तो रहेगा ही, साथ में आपको जो है उसमें और भी एडिशनल टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपका किसी भी एग्जाम में, जो भी आपके आने वाले एग्जाम अभी होने वाले हैं आपके आने वाले दिनों में, तो उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।